हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस को। तो स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस में क्या है, देखिए अभी इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा टॉपिक्स हम पढ़ा दिए, जैसे डिमोवियस थ्योरम हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट हो गया, nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया, ये सब सारा टॉपिक आपको हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दिए हैं, जो कि आपका सिलेबस में मेंशन है। आपका सिलेबस में जो मेंशन है उसमें हम क्या नहीं पढ़ाए वो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। आपका सिलेबस में ग्रिगोरी सीरीज और एक है समेशन ऑफ सीरीज, जो झारखंड TGT का सिलेबस है, बस यही दो चीज़ आपको हम ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही चीज़ आपको नहीं पढ़ना, आपको बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ना जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हम लोग का एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन को आज हम लोग देखेंगे। अगला लेक्चर में हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन को देखेंगे, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन का भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछला बार, हाइपरबोलिक जो कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स का वैल्यू पूछ लिया था पिछला बार। तो बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है और आपको पढ़ना होगा, तो आज हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन को बोलेंगे सर ये एक्सपेंशन तो जो लिखा हुआ है क्या क्या एक्सपेंशन पढ़ना है, तो साइन कॉस टेन का पढ़ना है, कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक टेन हाइपरबोलिक का पढ़ना है, वन प्लस एक्स पावर एन का पढ़ना है, लॉग वन प्लस एक्स का पढ़ना है, ई पावर एक्स का पढ़ना है, बहुत सारा एक्सपेंशन आपको है जो पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आप हमसे पूछिएगा सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन एक्स का एक्सपेंशन, कॉस एक्स का एक्सपेंशन, टेन एक्स का एक्सपेंशन, ये किस टाइप से एग्जाम में पूछेगा, तो डायरेक्टली आपसे ये एक्सपेंशन ही पूछेगा, चार ऑप्शन दे देगा इस तरह करके चार ऑप्शन। ये इतना बड़ा लग रहा है बोर्ड में क्वेश्चन बुकलेट में जो बहुत आसानी से लिखा जाता है, ठीक है। हो सकता है कुछ पार्ट इतना ही पार्ट लिख के छोड़ दे, डायरेक्ट ये जनरलाइज फॉर्म लिख दे आपको, है ना, तो वो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, दो चार ऑप्शन देके पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी आप दिमाग में आपको आएगा कि सर यहाँ जो एक्सपेंशन लिखे हुए हैं साइन एक्स कोस एक्स टेन, ये तो बुक में भी लिखा हुआ है, तो फिर इस लेक्चर का क्या जरूरत था सर, हम लोग ग्रिगोरी सीरीज में कहीं नहीं आ गए आप, है ना, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो एक बात हमको बताइए, बुक में तो लिखा सब है, ये चीज़ तो सारा एक्सपेंशन लिखा हुआ है, और कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो बुक में नहीं लिखा वो भी आपको हम बताएंगे, और एक इकट्ठा जगह में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा जगह से मटेरियल जुगाड़ करके आपको लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके आपको होगा। तो अब बोलेंगे सर हम लोग तो कर लेते तो इस लेक्चर का जरूरत क्या है, तो अगर आप लोग कर लेते तो अभी तक किए कहे नहीं, ये बात समझाइए हमको, नहीं किए अभी तक, तो नहीं किए तो आपको इसलिए अभी यहाँ पे हम करा दे रहे हैं। तो चलिए, तो देखिए साइन एक्स का एक्सपेंशन अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि सर इसका डेरिवेशन कहाँ है, इसको हम लोग कैसे ही कहाँ से आया, तो इसको इसका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इस टॉपिक का जरूरत है, वो टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको ये इसका डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जितना भी डेरिवेशन होता है एक्सपेंशन का सब में यूज होता है बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम हमको पढ़ा ही नहीं है, और ना ही आपका सिलेबस में बाइनोमियल थ्योरम है, झारखंड TGT का सिलेबस में तो नहीं है बाइनोमियल थ्योरम, तो इसको पढ़ाने की कोई दरकार नहीं है। तो अगर हम इसका डेरिवेशन आपको कराने लगे तो हमको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाना पड़ेगा पूरा, तब जाके आपको इसका डेरिवेशन समझ में आएगा, इसीलिए इसका डेरिवेशन को हम स्किप कर दिए, और इसका डेरिवेशन उतना ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट को यहाँ पे देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है साइन एक्स का एक्सपेंशन, तो साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह थीटा भी यूज कर सकता है, बीटा भी यूज कर सकता है, अल्फा कुछ हो यूज करे, जहाँ जहाँ ये वाला वैल्यू एंगल वाला वैल्यू चेंज होगा इधर भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, जैसा है साइन के साथ साइन थीटा लिखेगा इधर थीटा थीटा का फॉर्म में सारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर सेवन बाई सेवन फैक्टोरियल, अप टू कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन ये जनरलाइज टर्म अगर हम लिखना चाहें इसका, तो माइनस वन का पावर एन एक्स का पावर टू एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन का फैक्टोरियल। बोले सर ये कैसे लिखेंगे, अब हमको सर तरीका समझाइए। तो देखिए तरीका क्या है, सबसे पहले एक टर्म प्लस का शुरू करना है प्लस से, ठीक है, शुरू करना है प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसी तरह चलते रहेगा, ठीक। पहला कंडीशन तो प्लस से शुरू करेंगे फिर अल्टरनेटिवली चेंज करेंगे, है ना। अब देखिए पहला जो टर्म है एक्स का पावर वन बाई वन का फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब एक्स पावर वन अपॉन वन का फैक्टोरियल है, ठीक है। और इसी सीरीज में आगे बढ़ते गया, देखिए एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह इस तरह चलेगा, नीचे एक फैक्टोरियल तीन फैक्टोरियल पाँच फैक्टोरियल सात फैक्टोरियल इस तरह चलते रहेगा,
जितना पावर रहेगा उतना ही फैक्टोरियल, जितना पावर है उतना ही का फैक्टोरियल, जितना पावर है उतना ही का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ जनरलाइज टर्म, इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट को लिखने में दिक्कत आता है, तो क्या दिक्कत है समझा देते हैं। यहाँ पे माइनस वन का पावर एन यहाँ पे क्यों लिखा है, इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। ये जनरल टर्म समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सर ये जनरल टर्म आखिर लिखता कैसे है, ठीक है। तो देखिए ये जनरल टर्म में बहुत सारा टर्म को यूज किया गया है, तो यूज किया है क्योंकि माइनस वन का पावर एन है, टू एक्स का पावर टू एन प्लस वन है, और नीचे टू एन प्लस वन का फैक्टोरियल है, इसको समझने में दिक्कत होता है कि सर ये जनरलाइज किया कैसे। तो देखिए जनरलाइज कैसे किया है, सबसे पहले समझिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है माइनस वन का पावर एन, ये माइनस वन का पावर एन क्या बता रहा है, क्यों लिखा हुआ। देखिए इसका टर्म पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह चल रहा है। तो यहाँ वाला जो टर्म आएगा वो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड होगा कि यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। हम जब डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो प्लस वाला भी टर्म है, या फिर डायरेक्ट प्लस कर देंगे तो माइनस वाला भी टर्म है। इस प्लस को मत देखिए, प्लस इसके साथ इसको लगा दिया ना, तो यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस है इसके साथ, ठीक है। तो यही डिसाइड करेगा माइनस वन का पावर एन, कैसे डिसाइड करेगा यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा। देखिए माइनस वन का पावर एन है, तो अब देखिए ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म, इस तरह चलते गया। मान लीजिए दसवां टर्म आया, ठीक है, तो एन की जगह दस को आ जाएगा, एन की जगह दस आ जाएगा, तो एन की जगह तो माइनस वन के पावर दस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, मतलब ये प्लस बता रहा है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा उस केस में, ठीक है। और मान लीजिए अगला टर्म फिर गया तो माइनस, ये ग्यारहवां टर्म, तो माइनस वन का पावर ग्यारह हो जाएगा, तो माइनस वन का पावर ग्यारह कितना होता है, माइनस वन होता है, तो अब क्या बताएगा, यह माइनस बताएगा। तो माइनस प्लस कौन डिसाइड कर रहा है, माइनस वन का पावर एन। ये क्लियर हो गया क्यों लिखा हुआ, समझ में। आगे देखते हैं, सब में नहीं बताएंगे, इसमें एक में बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत। एक्स का पावर टू एन प्लस वन, ठीक है, तो ये क्या डिसाइड कर रहा है सर, तो देखिए एक्स का पावर में सारा ऑड नंबर है, x का पावर में क्या है, सारा का सारा ऑड नंबर है, तो ये 2n प्लस वन ऑड नंबर को बताएगा। n के जगह कुछ भी रख के देखिए आएगा ऑड नंबर ही, खाली जीरो मत, जीरो भी रखेंगे तो भी ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। देखिए जीरो रखे तो टू जीरो जीरो प्लस वन वन आ जाएगा, वन रखे देखिए दो के दो है तीन आ जाएगा, दो रख के देखिए दो दुनिया चार एक पाँच आ जाएगा, दस रख के देखिए दो दुनिया बीस और एक इक्कीस आ जाएगा, ग्यारह रख के देखिए बाईस और एक तेईस आ जाएगा। तो कुल मिला के ये ऑड नंबर बता रहा है, ठीक है, इसीलिए। और नीचे बोलेंगे सर 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, वही सेम चीज़ ऑड नंबर बताया, देखिए सारा का सारा ऑड नंबर का फैक्टोरियल है, तो ये भी ऑड नंबर का फैक्टोरियल है, क्लियर हो गया, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जाएंगे सर लास्ट, है ना। तो कुल मिला ये साइन एक्स का एक्सपेंशन है, याद कैसे करना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कॉस एक्स का एक्सपेंशन में, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली एक्सपेंशन पूछ लेगा आपसे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देगा, प्लस माइनस इधर उधर चेंज कर देगा, पहले माइनस से शुरू कर देगा, या तो सबका सब प्लस कर देगा कोई कोई ऑप्शन में, फिर सबका सब माइनस कर देगा कोई कोई ऑप्शन में, इस तरह से करके अरेंज करके पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कॉस एक्स, कॉस एक्स और साइन एक्स में थोड़ा सा फर्क है, इसमें एक्स के पावर में सारा ऑड नंबर आ रहा था, इसका एक्स के पावर में सारा का सारा इवन नंबर आएगा, सारा का सारा इवन नंबर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, और बाकी प्लस माइनस एज इट इज चेंज होगा। बोले सर यहाँ तो एक्स का पावर में कुछ नहीं है, देखिए इसको हम नहीं लिख सकते, वन इंटू एक्स का पावर जीरो अपॉन जीरो का फैक्टोरियल। बोले हाँ सर लिख तो सकते हैं, जीरो का फैक्टोरियल वन होता है, ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। एक्स का पावर जीरो भी वन हो जाएगा, और कुल मिला के ये वन ही, ये टर्म फिर वन खड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वन लिखा हुआ है ना। तो देखिए जीरो फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल, छः फैक्टोरियल चलते रहेगा, टू एन, टू एन क्या बता रहा है, इवन नंबर को फैक्टोरियल। प्लस माइनस इसी तरह अरेंज हो जाएगा, अल्टरनेटिवली चेंज होगा, लेकिन शुरू होगा प्लस से। एक्स पावर जीरो दो चार छः इसी तरह चलेगा। आइए क्या बता रहा है, माइनस वन का पावर एन, ये बताएं प्लस माइनस को बताया, क्योंकि चेंज हो रहा है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ठीक है। एक्स पावर टू एन जो कि एक्स पावर इवन नंबर है वो बता रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक लास्ट जाएगा, ठीक है। बात बता दें, इसको हम फिर वन लिख देते हैं, इसको समझाने के लिए किए थे, ठीक, समझ में आ गया होगा आपको एक्सपेंशन इसका। चलिए ठीक है, कॉस एक्स का भी हो गया, टेन एक्स का देखते हैं। टेन एक्स का एक्सपेंशन जो है, इसका एक्सपेंशन में इसका एक्सपेंशन को जब डिवाइड करते हैं, मतलब साइन एक्स बाय कॉस एक्स जानते हैं टेन एक्स होता है, तो सेम इसमें भी वही होता है कि इसका एक्सपेंशन को, इसको आप यहाँ पे मिटा देते हैं लाल से, सिर्फ एक्स रहने देते हैं, बाकी समझाने के लिए किए थे। इसका एक्सपेंशन को इसके एक्सपेंशन के साथ डिवाइड कर दीजिए, मतलब दिस अपन दिस कर दीजिए, तो आपको ई वाला एक्सपेंशन मिलेगा। बोले सब दिख तो नहीं रहा है कि ई वाला एक्सपेंशन, दिखेगा थोड़ी ना, बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़े नहीं आप। तो जब एक्सपेंशन कीजिएगा, इसका डेरिवेशन कीजिएगा बाइनोमियल थ्योरम यूज करके, तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे आया, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जान लीजिए कि ये होता है। चलिए टेन एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स, यहाँ पे एक्स बाय वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, इसमें कोई सीरीज इस तरह का फॉलो नहीं होगा, है ना। बाकी इसमें सारा का सारा टर्म प्लस में आएगा, ये बात जरूर जरूर ध्यान में रखिए कि सारा का सारा टर्म प्लस में आएगा, ठीक है। हाँ,
तो x प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू एक्स पावर फाइव बाई फिफ्टीन प्लस सत्रह एक्स पावर सात बाई तीन सौ पंद्रह, इसको सीरीज में घुसाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ये आपको सीरीज में घुसेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जस्ट याद कर लीजिएगा, इस तरह सीरीज में नहीं है, है ना। क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहीं तक पूछेगा बस, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू एक्स पावर पाँच बाई पंद्रह, उसको डॉट 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 कर देगा प्लस करके, है ना। ये तो हम एक्स्ट्रा एक टर्म लिख दिए, सत्रह एक्स पावर सात बाई तीन सौ पंद्रह, ठीक है। ये टेन एक्स का एक्सपेंशन है, इसको याद रख। अब पूछिएगा सर कोसेक एक्स कॉट एक्स सेक एक्स, ये सब भी तो है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसका एक्सपेंशन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे। इन तीनों को जरूर याद रखिएगा, बाकी खाली सीरीज याद कर लीजिए ना, बस समझ में आ जाएगा, ऑप्शन देख के मार दीजिएगा, है ना। चलिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला हो गया, हाइपरबोलिक के बताएंगे, ई पावर एक्स लॉग वन प्लस एक्स, बहुत सारा टर्म उसको बताएंगे, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कुछ और एक्सपेंशंस को देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए हाइपरबोलिक्स का एक्सपेंशन है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का है, लॉग वन प्लस एक्स का है, ई पावर एक्स का है, और वन माइनस एक्स का पावर माइनस वन का इसमें एक्सपेंशन, तो ये सब एक्सपेंशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपको साइन एक्स और कॉस एक्स का जो एक्सपेंशन अभी हम लोग पढ़े उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाएगा, तो क्या सिमिलर हो जाएगा देखिए, तो वो जो साइन एक्स का एक्सपेंशन और साइन एच एक्स का एक्सपेंशन अब देखिए हाइपरबोलिक वाला, अभी फिर अगला लेक्चर में हाइपरबोलिक डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसका एक्सपेंशन यहाँ बता देते हैं एक साथ। तो साइन एच एक्स और साइन एक्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि देखिए साइन एक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर सेवन बाई सेवन फैक्टोरियल, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये इस तरह से चेंज हो रहा था, अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेंज नहीं हो रहा, सारा का सारा टर्म प्लस में, तो बाकी सारा टर्म एज इट इज रखना है, लेकिन इसमें सारा का सारा टर्म प्लस में रखना है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म रखना है, उसमें प्लस माइनस दोनों आ रहा था, तो बस वही डिफरेंस है। और ये कॉस एच एक्स में भी वही सीन है, जो कॉस एक्स का एक्सपेंशन अभी हम लोग देखे उसमें हम लोग क्या देखे कि प्लस माइनस में चेंज हो रहा था, लेकिन इसमें है कि कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी एज इट इज जिस तरह कॉस एक्स का था उसी तरह कॉस एच एक्स का भी है, तो ये दोनों किसका है, हाइपरबोलिक, है ना। खैर हाइपरबोलिक में भी तो छः फंक्शन है, लेकिन छः का ही हमको नहीं पढ़ना, ठीक है, आपसे थोड़ी पूछेगा कॉस एक्स हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन क्या होता है, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, आपसे पूछेगा यही वाला साइन एच एक्स कॉस एच एक्स, तो पढ़ लिया जरूरी, टेन एच एक्स का भी नहीं पूछेगा, ठीक। तो जो फॉर्म स्टैंडर्ड है वही हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये चार हो गया, ये पाँच हो गया, छठा देखिए लॉग वन प्लस एक्स, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें है ना कि इसमें x का पावर वन अपन वन, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह सीरीज में चलेगा, नीचे भी जितना पावर है उतना नंबर बैठाते जाइए, वन टू थ्री फोर, ठीक है, प्लस माइनस चेंज करते जाइए बस, उसको कुछ भी नहीं है ना, ये भी एक्सपेंशन आसान है लॉग वन प्लस एक्स का, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे वन हटा देते हैं, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स पावर फोर बाई फोर, इसी तरह चलेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सेवन, ई पावर एक्स, ई पावर एक्स भी बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ नहीं करना है, किसी टर्म में नेगेटिव नहीं आएगा, सारा का सारा टर्म पॉजिटिव है, वन से शुरू होकर वन एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल एक्स पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल, इस तरह चलते जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेंशन है हम लोग का ई पावर एक्स का, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स अपन वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक्स पावर वन लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, इस वन को भी इसी फॉर्मेट में हम अरेंज कर सकते हैं, कैसे देखिए इसको नहीं लिख सकते, एक्स का पावर जीरो अपन वन फैक्टोरियल, बोले हाँ सर हो तो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोग को इसमें, अब देखिए जीरो वन टू थ्री फोर चलेगा, और वन फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल, ठीक है, तो जीरो फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल चार फैक्टोरियल पाँच फैक्टोरियल चलते रहेगा, ठीक है। देखिए वही फॉर्म में अरेंज हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स का पावर जीरो वन होता है, जीरो फैक्टोरियल वन होता है, जिसे कुल मिलाकर इसको वन लिख देते हैं, वन बाय वन वन, है ना, इसको यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे, और ये वन का फैक्टोरियल भी वन होता है इसलिए नीचे लिखने की जरूरत नहीं है वन को, ठीक है, एक्स पावर वन एक्स होता है इसलिए इसको नहीं, इसलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। बाकी वही फॉर्मेट आपका ई पावर एक्स में सबसे आसान यही है, ठीक। तो और इसमें और आ गया एट नंबर में वन माइनस एक्स का पावर माइनस वन, इसको अगर माइनस वन को हटाना चाहे तो इसको नीचे ले आएंगे, तो ये सेम चीज़ है, वन माइनस एक्स पावर माइनस वन है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वन बाई वन माइनस एक्स, कोई इशू नहीं, इसका एक्सपेंशन सबसे आसान, वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर फोर एक्स पावर फाइव चलते जाएगा, वन को एक्स का पावर जीरो लिख सकते हैं, वन को एक्स का पावर जीरो और एक्स को एक्स पावर वन, बड़ा अच्छा है, सीरीज में चल रहा है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, एक्स पावर जीरो को इसलिए वन कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स पावर वन को एक्स रहने देते हैं। तो यहाँ पे आपको हम क्या बताएं, टोटल आठ एक्सपेंशन समझाएं आपको हम,
अभी तक में चार पहले बताएं, तीन पहले बताएं और पांच अभी बताएं, इसके बाद आपको हम इन्वर्स का एक्सपेंशन बताएंगे, ठीक है। कुछ कुछ सारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छः होता है, लेकिन छः का छः नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। कुछ कुछ जो गिना चुना जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और फिर हम आगे वाला इन्वर्स को बताते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हम क्या बताएंगे आपको, इन्वर्स का एक्सपेंशन बताएंगे। यहाँ पे दो एक्सपेंशन इन्वर्स का, एक साइन इन्वर्स एक्स का, एक टेन इन्वर्स एक्स का। बोलेंगे आप पूछेंगे सर कॉस इन्वर्स एक्स का कहाँ है, तो कॉस इन्वर्स एक्स का एक्सपेंशन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो जरूरत नहीं है, ठीक। जरूरत यही दोनों का, साइन इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स का, ठीक है। तो साइन इन्वर्स एक्स का एक्सपेंशन लिखना बहुत आसान है, बस खाली थोड़ा सा दिमाग लगे। पहला टर्म जो है एक्स रख देना, कुछ नहीं कर, इस एक्स को रहने दीजिए, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अगला सारा टर्म प्लस का होता है, बस इसमें ध्यान रखिएगा सारा का सारा टर्म प्लस का होता है, ठीक है, एक भी माइनस नहीं होता कहीं पर भी। तो अब देखिए इसमें क्या होता है ना, देखिए पहला टर्म को एक्स हो गया, इसको छोड़िए, अगला देखिए वन टू एक्स क्यूब बाई थ्री, मतलब वन टू थ्री थ्री, ठीक है, वन टू थ्री थ्री, यहाँ एक्स लगे एक्स के क्यूब। अगला बढ़िए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव, देखिए यहाँ पे टू थ्री तक गया था, फोर तक आया, मतलब फाइव तक आया, ठीक है, यहाँ फाइव है, यहाँ देखिए सेवन तक आया। तो वन टू थ्री थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन, अगला कहाँ तक जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर सेवन एट, फिर कहाँ तक जाएगा, ना एक्स पावर नाइन बाय नाइन, ठीक है, इस तरह जाएगा। तो ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बस नंबरिंग करना है, है ना, वन बाई टू एक्स क्यूब बाई थ्री, वन बाई टू थ्री बाई फोर, एक्स पावर फाइव बाई फाइव, ये हमको बताने के लिए इस तरह लिखे हुए, अरेंज करके लिखे हुए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी चाहे तो इसको गुना कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, है ना, सारा का नीचे नीचे गुना होगा, ऊपर ऊपर गुना होगा, लेकिन इसको हम तोड़ के इसलिए लिखे ताकि दिक्कत नहीं हो समझने में, है ना। तो वन टू थ्री थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन, जहाँ एक्स पावर जो ऊपर में हो वही नीचे नहीं उतार देना, ठीक है। बाकी इस तरह चलते रहेगा सीरीज। ये साइन इनवर्स एक्स का हो गया, टेन इनवर्स एक्स का देखिए, एक्स पावर वन अपन वन, ठीक है, एक्स पावर वन अपन वन, बाकी प्लस माइनस चेंज होते रहेगा, सारा का प्लस, पहले प्लस जितना भी एक्सपेंशन बताएं सारा का फर्स्ट टर्म प्लस में होता है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस इस तरह चलेगा, और बाकी देखिए एक्स पावर में एक तीन पाँच सात नौ इस तरह चलेगा, इधर एक तीन पाँच सात नौ इस तरह चलेगा, प्लस माइनस चेंज, यहाँ फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है, बस छुच्छे है, वन थ्री फाइव नंबर है ना। बाकी ये एक्सपेंशन हो गया, सारा एक्सपेंशन आपका दिमाग में याद होना चाहिए, पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन के साथ हम लोग आज क्लास एंड होता है, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें कुछ कुछ एक्सपेंशन ऐसा भी है जो ग्रिगोरी सीरीज में आपका यूज हो जाएगा, ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज में यूज हो जाएगा, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।